सब्सक्राइब करन नॉलेज गुरुजी को। जानिए कुंभकर्ण की नींद के पीछे की कहानी। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण एक राक्षस और रावण के छोटे भाई हैं। अपने राक्षसी आकार और महान भूख के बावजूद उन्हें अच्छे चरित्र के रूप में वर्णित किया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कई हिंदू भिक्षुओं को मार डाला और खा लिया। एक दानव होने के बावजूद कुंभकर्ण को इतना पवित्र, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था कि इंद्र उसे ईर्ष्या कर रहा था। एक बार भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से पूछा गया कि वे ब्रह्मा से क्या चाहते हैं वरदान। दूसरी तरफ इंद्र कुंभकर्ण के वीरता और बुद्धि के बारे में अच्छी तरह जानते थे और जानते थे कि वह इंद्रसेन स्वर्गीय राज्य से पूछेंगे। इस बात से डरते हुए इंद्र ने कुंभकर्ण की जीभ को बांधने के लिए देवी सरस्वती से अनुरोध किया, जिसने कुंभकर्ण को अनंत निद्रास के लिए पूछने के लिए बाध्य किया। ब्रह्मा ने उन्हें अनंत नींद का वरदान दिया। अपने भाई की दुर्दशा को देखकर रावण ने ब्रह्मा को शाप को पूर्ववत करने का आग्रह किया। ब्रह्मा ने इसे पूर्ववत किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल के लिए सोएगा और एक और आधे के लिए जाग रहा होगा। यहां तक कि लंका की लड़ाई के दौरान कुंभकर्ण सो रहा था और हजारों हाथियों ने उन्हें जागृत करने के प्रयासों पर चलाया था। यह बच्चों के लिए रामायण के रूप में सबसे अच्छा और दिलचस्प कहानियों में से एक है।